my God! Oh my God! The jacked up you! Dalhousie bypass! Double bypass and don't bike ride. Dosto, abhi aap dekh rahe hain Dalhousie bypass with Cameron Vlog. Subscribe, like, comment. Zyada se zyada share kijiye aur is video ka anand lijiye. फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यहां से एक लंगर में, और यहां से हमारा जो बुरमो का रास्ता है ज़्यादा दूर नहीं है, खींच के 30 किलोमीटर दूरी पे है। तो दोस्तों यहां पे लंगर था, हमने चाय वगैरह खाना वगैरह खा लिया है तो राइड करके। और जो दोस्तों जो हमारी कपड़ों की जो हालत हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मिट्टी से इतनी मिट्टी पर ऐसा लग रहा है कि हम मिट्टी में ही हैं, मिट्टी हम पे है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर तक निकलेंगे हम जहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद, सीधा रुकेंगे भमौर पे। तो चलो वहाँ भमौर में जाके आपसे मिलते हैं, फिर वहाँ पर 484 चौक आएगा, वहाँ भी जाके मिलेंगे आपसे।
तो फिर वहाँ से बरमोर में एक रूम लेने के बाद हम निकलेंगे अपने एक वहाँ पे माता जी का टेम्पल है, आगे जाके मैं उसको आपका नाम बताऊँगा उसके जाके वहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे अगर दर्शन ना करो तो मनी में इसके दर्शन जो पूरे नहीं होते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे चार चौराखी। दोस्तों काफ़ी कठिन रास्ता है, क्या बताऊँ आपको, मिट्टी से जो बुरा हाल हुआ हमारा मैं आपको बता नहीं सकता। पीछे मेरे सूर्यदेव जी हैं जो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। दोस्तों तो चलते हैं पीछे का रास्ता और आगे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आगे हमारी जो सुरंग है सामने दिख रही है, इसके अंदर हम जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों पहाड़, फाइनली दोस्तों मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां जहां पर कैलाश के पहले दर्शन माना जाता है। आप देख सकते हो यहां पीछे जो एक बड़ी सी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो सामने जो बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है उसको कहते हैं कैलाश दर्शन। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं, अभी मैं पहुंच चुका हूं जहाँ से कहा जाता है कि जहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। तो मैं अभी दिखा सकता हूँ सामने जो रोड को साइड सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसी को कैलाश पर्वत का आप पहला दर्शन बोलते हैं। दोस्तों चलते हैं अभी जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा शानदार भगवान शिव जी का सुंदर सा भव्य सा मंदिर बनाया गया है, दरबार सजाया गया है। चलो दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये हमें सामने बिल्कुल भी पूरा कैलाश पर्वत की चोटियाँ बनाई हुई हैं, देख सकते हो सबसे ऊपर भगवान शिव शंकर जी विराजमान है, साथ में महादेव लिखा हुआ है और त्रिशूल भी है। साथ में छोटी सी पानी का झील बनाई हुई है, मनीमहेश झील है, जहाँ पे अभी मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से ये पर्वत कैलाश चोटी पर्वत कैलाश बनाया हुआ है, शिव शिव भगवान शंकर जी विराजमान है। नीचे मनीमहेश की झील बनाई गई है जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भरमौर में। तो हमने यहां पे अब रूम वगैरह ले लिया है रेंट पे। तो दोस्तों अब मैं हम जहां से निकलेंगे थोड़ी देर में भवानी मंदिर की ओर, वहां पे दर्शन करके आएंगे, फिर रात को जहां पे रुकेंगे और फिर कल सुबह नहा धो के निकलेंगे हरसर के लिए जहां से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। और दोस्तों तो बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ।